वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल indiabird.com। जैसा कि आपको पता है कि SSC SCHSL 2018 का पेपर चल रहा है और ये आपका पेपर चलेगा जो एक मंथ के ऑलमोस्ट करीब है। और ये आपका, मैं जो आज का रिव्यू लेकर आया हूँ वो 4 मार्च का होगा और उसमें मैं कुछ क्वेश्चन भी बताऊँगा और बताऊँगा कि किस तरह से ईजी है या मॉडरेट है क्वेश्चन। तो आपको जो पेपर आने वाले हैं जिन बच्चों को, उसके लिए हेल्प हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है मैं लाया हूँ 4 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसी तरह से आप लोग अब कह सकते हैं या तो इसके कमेंट बॉक्स में या तो हमारे फेसबुक पेज या हमारे ग्रुप में क्वेश्चन अपना डाल दें जो पेपर देकर आते हैं, उसका मैं रिव्यू करके आप लोगों को बताऊंगा। या मैसेज करके भी आप क्वेश्चन बता सकते हैं जिस शिफ्ट में आपको पेपर आते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं आज का वीडियो। सब्सक्राइब करें indiabird.com YouTube चैनल को और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें और देखें हमारे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस बिल्कुल फ्री। आगे चलने से पहले जिन्होंने अभी तक फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ग्रुप को ज्वाइन कर लें। पेज को लाइक नहीं किया है तो पेज को लाइक कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को पा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे SSC CHSL टीयर 1 शिफ्ट में जो पूरा अटेम्प्ट जो आप लोग किए हैं सेक्शनल वाइज, उसके एनालिसिस कि कैसे आपको कितने, यानी कि जनरल अवेयरनेस में कैसा क्वेश्चन था और कितने अच्छे अटेम्प्ट हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं जनरल अवेयरनेस की अगर बात करते हैं तो इसका जो लेवल था वो इजी था। ठीक है, आपको बता दूं अगर इजी पेपर हो तो आप 20 के क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि 18 से अगर 21 करते हैं तो ये आपका गुड अटेम्प्ट है। और आपको पता है कि ये 60 मिनट का ही होता है तो इसलिए इतना क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात है। और 60 मिनट आपको सभी सेक्शन को देने होते हैं 60 मिनट में ही, तो आप टाइम को डिवाइड करके दे सकते हैं। जैसे कि जनरल अवेयरनेस को आप कम टाइम दे दें, 10 मिनट दे दें, इन सब पे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। क्वांट और जो रीजनिंग होते हैं सेक्शन, उसमें आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं क्योंकि वो मैथमेटिकल होते हैं, उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो अगर आप इतना करते हैं तो ये आपका अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। वहीं पे इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज से एक बार ये 4 तारीख को जो पेपर था उसमें ये आया कि कंप्रीहेंशन नहीं आया है। ठीक है, और वो जो है वो मॉडरेट लेवल का था क्वेश्चन। और इसमें अगर आप 17 से 20 तक करते हैं तो ये आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का देखते हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका क्वेश्चन जो था वो हमेशा पता है आपको कि मॉडरेट लेवल का ही होता है, इजी नहीं मान सकते उसको। तो आप मान लो कुछ कुछ क्वेश्चन तो इजी होते हैं सीरीज वाले जैसे, या कुछ आपके वर्क के मिल गए या प्रॉफिट लॉस के मिल गए तो वो इजी क्वेश्चन अगर मिल जाते हैं तो तब भी आप मान के चलें कि अगर 16 से 20 के बीच करते हैं तो ये आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस, जैसा कि मैंने बताया कि रीजनिंग वाले सेक्शन वो बहुत ईजी आते हैं, उसमें केवल टाइम होते हैं, आप 23 तक कर सकते हैं और इसमें हमेशा करेक्ट होने की संभावना है। तो अगर ओवरऑल की बात करते हैं तो ओवरऑल इसमें अगर आप 68 to 76 भी कर देते हैं, यानी कि 80 से कम भी करते हैं, तो ये आपका बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा और ये इजी टू मॉडरेट ओवरऑल आप लेके चल सकते हैं। तो अगर जिन्होंने इतना अटेम्प्ट किया होगा वो कन्फर्म रहें कि उनका निकल जाएगा। और देखते हैं सबसे पहले इंग्लिश का, देखते हैं कि क्या है इंग्लिश में, कौन कौन से टॉपिक आए से आपके इंग्लिश के जो टॉपिक्स वाइज हम बताएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बताएंगे यहाँ पे और लेवल भी बताएंगे। तो इंग्लिश के जो फिल इन द ब्लैंक्स के जो सेक्शन थे वो 5 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। आपको पता है या तो सिंगल फिलर या तो डबल फिलर आता है। ठीक है, सिंगल फिलर या डबल फिलर आपको जिसको बोलते हैं, तो उसमें आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आपके अच्छे से हो गए होंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक आती है, सेंटेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपको दिया रहेगा, तो वो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे थे। और इसका जो लेवल की बात करते हैं तो ये था आपका इजी टू मॉडरेट। फिर एरर डिटेक्शन आया था, एरर बताना था आपको, एरर डिटेक्ट करके आपको वहाँ पे लिखना था ऑप्शन में। तो ये 2 से 3 क्वेश्चन थे और ये भी इजी लेवल के ही थे। आइटम्स एंड फ्रेज, जैसे कि मैं इस पर एक वीडियो भी बना चुका हूँ, इससे भी क्वेश्चन पूछे थे। और ये अगर आप SSC CHSL के लिए तैयारी किए होंगे तो उसी से पूछते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के भी आप आइटम्स एंड फ्रेज देख लिए होंगे तो उससे कुछ कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन थे और ये ही इजी क्वेश्चन थे। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको पता ही है कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है SSC में, तो ये 2-2 क्वेश्चन दोनों के थे और दोनों ही इजी थे, ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं था, बैंकिंग टाइप का नहीं था। बैंकिंग में बहुत ही टफ लेवल के सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं। आगे देखते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, आपको पता है एक्टिव वॉइस आता है, पैसिव वॉइस आता है, तो उसका अगर बात करें तो 1 क्वेश्चन पूछा था और वो भी एक इजी ही था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पता है ये भी पूछता है एग्जाम में, तो ये भी 1 क्वेश्चन था, ये भी इजी था। जो जो 1 क्वेश्चन पूछे हैं उसमें से इजी था, जो 2 क्वेश्चन पूछे हैं वो मॉडरेट से ऊपर गया है। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इसमें डिफिकल्ट लेवल नहीं आया है। ठीक है, फ्रेज सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं तो 1 क्वेश्चन पूछा है इसमें, इजी था ये भी क्वेश्चन। स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन से आप लोग उठा सकते हैं, अगर स्पेलिंग प्रैक्टिस आपको तो ऐसे ही हो जाता है अगर आप तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश का, तो 1 क्वेश्चन यहाँ से था और ये भी इजी था। और क्लोज टेस्ट आपके बात करते हैं, जैसे कि देख लें फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट,
ठीक है, ये दोनों आप सेक्शन कर लेते हैं तो ये आप जो होते हैं 10 क्वेश्चन, और 10 करते हैं तो 20 आपके नंबर के हो जाते हैं। तो ये आपको करने ही करने होते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें। अभी अगर पेपर आपके 24 के अराउंड है तो यहाँ से इजी टू मॉडरेट लेवल था। आगे चल के देखते हैं एप्टी का देखते हैं। तो एप्टी में मैं बता दूँ, मैंने एक साथ ही लिख दिया इसका, रेशियो, नंबर सिस्टम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये इतने थे। सबसे एक एक क्वेश्चन पूछा गया था, वन फ्रॉम ईच। ठीक है, जैसे कि मान लो कि रेशियो से एक क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी एक क्वेश्चन। और इसके जो लेवल की बात करते हो तो ये इसका लेवल था जो इजी था। अब देखते हैं सेकंड, एवरेज। एवरेज में आपके 2 क्वेश्चन पूछे थे, इसके भी पता है कोई भी क्वेश्चन इजी बनते हैं, तो ये इसको हम लोग इजी टू मॉडरेट मान के चल सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन आप आसानी से कर देंगे, ये आराम से आपको कर देते हैं। अगर आपको पते होते हैं कैसे करना है, कौन से मेथड कितने नियर वैल्यू को लेना होता है, कितने आंसर में प्लस माइनस करना होता है, जितना आप वहाँ पर अप्रॉक्स मानते हैं उसी तरह से, तो आप इसके इजी है। SI and CI की अगर बात करते हैं तो ये 3 क्वेश्चन पूछे थे, ये भी इजी टू मॉडरेट है। ज्योमेट्री की अगर बात करते हैं तो ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन पूछे थे, यहाँ पे आपको मॉडरेट लेवल के मिल सकते हैं। ठीक है, और मेंसुरेशन में अगर बात करें तो इस बार उल्टा हुआ, पिछला बार क्या था ज्योमेट्री में ही, अगर मैं आगे के दिखाऊंगा तो उसमें बता दूँ कि मेंसुरेशन था जो ईजी था, सॉरी मेंसुरेशन जो था वो मॉडरेट था और ज्योमेट्री जो था वो ईजी था, लेकिन इस बार उल्टा हुआ, ज्योमेट्री है वो ईजी है, मेंसुरेशन जो ज्योमेट्री है वो मॉडरेट है और जो मेंसुरेशन है वो इजी है इस बार। ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री 2 नंबर के पूछे गए थे और वो भी इजी थे। और DI 3 नंबर के, अगर DI कर लेते हैं तो आपके 3 नंबर यानी कि 6 नंबर यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 6 नंबर आप उठा सकते हैं, इसमें इजी टू मॉडरेट लेवल का था ये। अब जनरल इंटेलिजेंस को देखते हैं क्वेश्चन, तो जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन में आपके डायरेक्शन, सिक्वेंस, मैट्रिक्स, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग और वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन थे और ये थे इजी लेवल के। ठीक है, उसी तरह से आपको पता है कि ये पूरा ही सेक्शन इजी था। एनालॉजी की बात करते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन एनालॉजी अगर करके जाएंगे तो ये इजी लेवल के आसानी से बन जाएंगे देखते ही। ऑड वन आउट छाटने वाले जो आते हैं वो आपके 2 क्वेश्चन थे और वो भी इजी थे, केवल जो सीरीज के क्वेश्चन थे वो मॉडरेट थे बस, और भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। कोडिंग डिकोडिंग एज यूजुअल इजी ही था आपके लिए। तो इस तरह से आप जनरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमारे हाथ लगा है उसको मैं बता दूं। नेम द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ चाइना, आपको बताना है कि चाइना के साथ सबसे लंबा बॉर्डर किसका है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये है मंगोलिया। ठीक है, कौन है इसको हम लोग मान के मंगोलिया बोलते हैं, मंगोलिया का है। और अगर इसकी लेंथ की बात करते हैं तो 4,677 किलोमीटर के अराउंड है। ठीक है, अगर उसके बाद बात करते हैं सेकंड के, तो सबसे फर्स्ट की अगर बात देखा जाए तो सबसे फर्स्ट पे आप चल सकते हैं यूएसए का है, वो किसके साथ है, यूएसए और कनाडा का है। किसका किसका है, यूएसए और कनाडा का, जो कि अगर इसकी बात करते हैं तो ये है आपका लेंथ का 8,000 किलोमीटर से ऊपर का है। ठीक है, और ये जो है ये 4,000 यानी कि चौथा पे आता है, 4,677 किलोमीटर है लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ चाइना। वट इज द एलोकेशन ऑफ टोटल बजट, मैंने इसका वीडियो बनाया था उसमें आपको वीडियो में अगर बोलेंगे तो मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा कुछ कुछ चैनल कुछ कुछ वीडियो का जो यहाँ पर आपके लिए आगे के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आपके पूछे थे वट इज फ्रिक्शनल फोर्स, वट इज सर्कुलर मोशन, यहाँ पे आपके ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, वहाँ पे ऑप्शन दिए थे, आप आसानी से उसको टिक करके चल सकते थे। वट इज मीनिंग ऑफ डिफिसिट फाइनेंसिंग, ये भी आपके क्वेश्चन पूछे हैं, बैंकिंग वाले स्टूडेंट ये प्रिपेयर करके गए होंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन से भी क्वेश्चन थे। 1 क्वेश्चन फ्रॉम द्रोणाचार्य अवार्ड, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये द्रोणाचार्य अवार्ड और ये जो नोबेल प्राइज वाला जो मैं बनाया था वीडियो उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा ये 2 क्वेश्चन आसानी से, आप यानी कि यहाँ से 2 नंबर आप उठा सकते थे अगर मेरे वीडियो को देख के गए होंगे तो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन आता है, हर एक एग्जाम में आता है, SSC चाहे जूनियर इंजीनियर का पेपर हो या तो आपका CGL का पेपर हो या आपका PHSL का पेपर हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1 क्वेश्चन कंफर्म है, तो अगर आपके आगे पेपर है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन को करके जाएं। अब ये है आपका नेशनल पार्क से क्वेश्चन आया था, दंजीम नेशनल पार्क, तो इसकी अगर बात करते हैं तो ये है आपका श्रीनगर में, कहाँ पे है, ये है आपका श्रीनगर जो कि कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, आपको बताना है कि एड्स डे किस डेट को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 दिसंबर को, कब करते हैं 1 दिसंबर को, तो ये जो डे वाले जो होते हैं कौन सा डेट कब सेलिब्रेट किया जाता है तो ये आपको प्रिपेयर करने हैं। और अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो अगर आप पीछे 5 या 6 मंथ के केवल ये डेट याद कर लें
पेपर जब तक हो रहे हैं तब तक के, उसी में से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ज्यादा पूरे मंथ का यानी कि 12वां मंथ का डे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह मैं टॉपिक बता दूं तो हिस्ट्री के ज्योग्राफी और कंप्यूटर से एक एक क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। पॉलिटी से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला, उस तरफ से क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, बायोलॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और स्टैटिक अवेयरनेस की बात करते हैं तो मात्र 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि स्टैटिक अवेयरनेस आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और वहाँ से क्वेश्चन कम आए हैं। केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो केमिस्ट्री में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिजिक्स में भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और करंट अफेयर्स देखते थे सबसे ज़्यादा वेटेज है यानी 4 to 5। तो ये दो आपके जो है पॉलिटिकल, और ये मैं इन सब का आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे कि करंट अफेयर्स मैंने जो 2 बनाए हैं, 2-3 बनाए हैं, अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। फिजिक्स के वीडियो बनाए हैं, केमिस्ट्री की वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। स्टैटिक अवेयरनेस के भी कुछ वीडियो बने हुए हैं, बायोलॉजी के भी 2-3 वीडियो बने हुए हैं, इकोनॉमिक्स के भी वीडियो बने हुए हैं, और पॉलिटिकल साइंस के भी बने हुए हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी और कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसके भी क्वेश्चन बने हुए हैं, आप हमारे चैनल से सब क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और SSC टाइप के क्वेश्चन होंगे आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉलो करें फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल प्लस पे, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।